देखिए, आज़ादी के बाद से ही भारत की राजनीति में वैसे लोगों का दबदबा रहा है जिनकी पढ़ाई पश्चिम से हुई है, तो पश्चिम से पढ़ाई करने वाले पूरब की चिंता कभी किए नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश का, हर देश के कोने कोने का जिस तरह से विकास कर रही है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का, हर जन का, हर व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ सूर्योदय होता था वहाँ विकास का उदय कभी हुआ नहीं। जिस तरह से विकास का कमल खिल रहा, सूर्योदय हो रहा है, जिस तरह से उसमें कमल का खिलना लाजिम है, ये तय है कि कमल खिलेगा, सूर्योदय, विकास का सूर्योदय जिस तरह से मोदी जी ने पूर्वोत्तर में किया है, उसमें पूरब की जनता, पश्चिम, पूरा पश्चिम देश का जिस तरह से कण कण अनुप्राणित हुआ है, जिस तरह से हम हर एक व्यक्ति की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं, हर व्यक्ति को पहचानते हैं, उसके मर्म को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसके संताप को समझते हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जन जन की पीड़ा को आत्मसात किया है और पूर्वोत्तर का जिस तरह से विकास किया है, हम इस बारे में आश्वस्त हैं, मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं कि जनता हमारा साथ देगी। और दोनों राज्यों की आप बात कर रहे हैं, हम तो चुनाव से पहले एक सीट जीत गए, तो आज तो युद्ध के पहले जीत जाना इस बात का संकेत करता है कि जनता हमारे साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। और जिस राज्य में हम पहले भी वहाँ सरकारें अलायंस से थी, अभी भी अलायंस से सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ पर सब पार्टियाँ अलग अलग लड़ी थी। अब देखिए, विपक्षी एकता की बात करते हैं, वहाँ जाके तृणमूल कांग्रेस ने कहा कांग्रेस मीन्स करप्शन, कांग्रेस इज द नेक्स्ट नेम ऑफ करप्शन, और वहीं पर जाकर के कांग्रेस ने कहा कि तृणमूल जो है वो वोट कटवा पार्टी है। तो आज के डेट में पूरे भारत की राजनीति को आप उठा करके देंगे तो होड़ क्या मची हुई है, विपक्ष के नेता बनने की होड़ मची हुई है। राष्ट्र का नेता तो एक ही है, एक राष्ट्र के नेता का और राष्ट्र के नेतृत्व को दिशा और व्यक्ति मिल चुका है, भारत को उसका नायक मोदी के रूप में भारत को प्राप्त हो चुका है। तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जो विजय भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के सहयोग से कर रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीटें बढ़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, जनता हमें आशीर्वाद और प्रेम देगी, क्योंकि अंतिम निर्णय तो जनता को करना है। मेघालय का किस प्रकार से देखते हैं, जहां त्रिशंकु को सरकार बनने की आशंका है, अभी तक वहां पर पूरा रुझान और जो नतीजे हैं वो त्रिशंकु को सरकार की तरफ बन गए। मेघालय भी लय में आएगा जब वहां पर सामने सारे रिजल्ट निकल करके आ जाएंगे, तो मेघालय भी राष्ट्रवाद के लय को धारण करेगा। और जिस, जाहिर सी बात है, वहाँ जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, आप भी इस बात के लिए आश्वस्त हैं और हम भी इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि वहाँ सरकार अलायंस की ही बनेगी और अलायंस में वहाँ की लोकल जनता की मांग होगी, वहाँ जो भी लोकल जो पार्टी सरकार बनाएगी उसकी भी मंशा होगी कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करें, क्योंकि वो जो भी लोग भी ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे उनके जनता का जन दबाव उन पर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को विकास की गति दी जाए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ हम गठबंधन की सरकार में आएंगे।